आयुर्वेद में यूनानी फार्मेसिस्ट संघ के सदस्य और डेहडिया शाखा के फार्मेसिस्ट जगत दत्त के सेवानिर्मित पर एक विदाई समारोह का आयोजन कलेक्टर स्थित संघ भवन के सभागार में किया गया, जिसमें संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विद्याधर पाठक, पूर्व प्रांतीय महामंत्री सुभाष सिंह, प्रांतीय सचिव जनार्दन मिश्रा, उपाध्यक्ष श्याम राज कनौजिया सहित जिले के समस्त फार्मेसिस्ट मौजूद रहे। विदाई समारोह में सेवानिर्मित फार्मेसिस्ट को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विद्याधर पाठक से सेवानिर्मित कर्मचारी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए संगठन की मजबूती पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को लखनऊ में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया, उसकी मझधार में मोड़ दी, फिर हार क्या, फिर जीत का चरण का मैं क्या अर्चना करता हूँ कि भाई विद्याधर के साथ आप कदम में कदम धर्म में क्या किया सकता के करता नहीं हूँ, तो आज फिर मैं आपसे मांग करता हूँ। उसी के क्रम में आज जनपद सभा गोरखपुर में सम्मान आयोजित किया है, जिसके क्रम में मुझे भी आमंत्रित किया गया है। हम जनपद सभा गोरखपुर के अध्यक्ष होने के आभारी हैं और यहाँ मुझे आने का अवसर मिला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभारी हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो फार्मेसिस्ट संवर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, जो उनके अधिकार का हनन हो रहा है, जो उनके कर्तव्यों से उनको भटकाया जा रहा है, आज उत्तर प्रदेश में लगभग 60% यानी कि 12 फार्मासी इंचार्ज हैं जो जनहित में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह संचालित करते हैं, लेकिन निदेशक प्रोफेसर आर चौधरी ने जन सूचना के माध्यम से यह बात स्पष्ट कर दिया कि फार्मासिस्टों को चिकित्सा करने का अधिकार नहीं है। एक जनता के बीच में आयुर्वेद यूनानी पद्धति को गुमराह करने का साजिश किया, जिसके क्रम में हम लोगों ने 8 मई को निदेशक महोदय से यह जानना चाहा, महोदय हमें अधिकार है या नहीं है, अगर मुझे अधिकार है तो आप मुझे अधिकार दें, हम जनहित में मरीजों की सेवा करेंगे, विभाग का निरंतर विकास करेंगे, आयुष आपके द्वार जो उत्तर प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के दिशा निर्देश में इस व्यवस्था को 1260 फार्मासिस्ट जो इंचार्ज है चार चाप लगाए हुए हैं, हम डॉक्टर के सारा काम करते हैं, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह बचाते हैं उनका, फिर भी दिन रात जनता की सेवा करते हैं। और यह डायरेक्टर महोदय ने मेरी बातों को जायज मानते हुए निदेशालय के परिपत्र संख्या 301/9/15/9/5/18 को यह कहा कि फार्मेसिस्ट को जनहित में जहाँ चिकित्सा अधिकारी अवकाश काल पे है या पद रिक्त है वहाँ मरीजों को सामान्य उपचार करने का ओपीडी भरने का अधिकार दिया जाता है। हम डायरेक्टर को धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन वहीं चिकित्सा अधिकारी सेवा संवर्ग के चिकित्सकों ने इसका विरोध किया और डायरेक्टर ने परिपत्र संख्या 311/23/5/18 को उस आदेश को निरस्त करते हुए 1260 चिकित्सालयों की पूरी चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त करते हुए सड़क में उतरने के लिए विरोध कर दिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश की ओपीडी बंद है, जिसके लिए निदेशक प्रोफेसर आर चौधरी जिम्मेदार हैं।
कलेक्टर को, सचिव को, मंत्री को नोटिस करते हुए 1 तारीख से उत्तर प्रदेश की ओपीडी को बंद कर दिए हैं। कहीं कोई भी फार्मेसी इंचार्ज ओपीडी नहीं देख रहा है, इसके लिए डायरेक्टर जिम्मेदार है और शासन जिम्मेदार है। हम चिकित्सा करने से नहीं भगते हैं, लेकिन हमारे मान सम्मान को अंदर कोई उठा रखा तो ऐसा उसमें मैं ईंट से ईंट बजाने के लिए पीछे भी नहीं हटूंगा। आज कुशक रचा जा रहा है, एक साजिश की जा रही है कि राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी फार्मेसी का अध्यक्ष विद्याधर पाठक ने पूरे उत्तर प्रदेश के फार्मेसिस्टों को मना कर दिया है कि हम आप ओपीडी नहीं करिए, चिकित्सा नहीं करिए, सारी व्यवस्था ध्वस्त है। रहेंगे जिंदगी के सुमन, चाहे गम के पहाड़ों से गिर जाएंगे हम, कोई काटे तो गर्दन झुकेगी नहीं, कोई दामन पसारे तो झुक जाएंगे। सोमवार को निदेशालय की ईंट से ईंट बजा करके निदेशालय का घेराव करेंगे। यदि हमें जनहित में रोगियों के सामान्य उपचार का, मरीजों को देखने का, ओपीडी भरने का अधिकार मिलता है तो हम यह काम करेंगे, अन्यथा उत्तर प्रदेश के सारे फार्मासिस्ट इंचार्ज केवल औसत वितरण का कार्य करेंगे।